दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा थाना से सर्चिंग पर निकली सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त पार्टी ने जंगल में एक नक्सली को धर दबोचा है। गिरफ्तारी नक्सली पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह सरपंच की हत्या का आरोपी है। रायपुर की नेवरा थाना पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले NICL चिटफंड कंपनी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेवरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिलदा स्थित एक मकान में NICL नामक चिटफंड कंपनी का कार्यालय खोला था, जिससे कई मैनेजर एवं डायरेक्टर द्वारा पीड़ितों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर कंपनी में लाखों रुपए निवेश कराकर पीड़ितों को रकम वापस न कर चिटफंड कंपनी को बंद कर रकम लेकर फरार हो गए थे। आरंग स्थित शासकीय देसी और अंग्रेजी शराब दुकान में चोरों ने छेदमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान के दरवाजे की कुंडी तोड़कर गल्ले में रखे 2,95,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। वहीं देसी शराब दुकान की बिक्री राशि जमा होने के कारण चोरों को वहां से कुछ नहीं मिला। रायपुर पुरानी बस्ती पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर गांजा की तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में 2 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से करीब 12 किलो गांजा जब्त किया है। कोनी थाना अंतर्गत ग्राम नृत्यों के पास भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक चालक को बचाते हुए एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 की मौत हो गई। रिसाली निगम क्षेत्र के पट्टाधारी आवास मालिकों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने निगम के कर्मचारी सर्वे कर रहे हैं। अब तक 30 लोगों ने गाइडलाइन से रियायत दर पर रजिस्ट्री कराने सहमति भी दे चुके हैं। वहीं बचे हुए लोगों से संपर्क कर निगम के कर्मचारी योजना के बारे में न केवल जानकारी दे रहे हैं बल्कि रजिस्ट्री कराने प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के जैजपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत झरप के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक राघवेंद्र तिवारी द्वारा मासूम छात्राओं से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। शिक्षक की हरकतों से परेशान छात्राओं ने अपने पालकों से शिकायत की, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतरी क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर भाटा गांव स्थित बजरंग चौक के पास एक व्यक्ति गांजा बिक्री करने आने वाला है। इस सूचना पर खमतरी पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बोरा लेकर खड़े अब्दुल शकूर नामक व्यक्ति को पकड़कर बोरे से 1,21,000 रुपए कीमत का 12 किलो गांजा बरामद किया है। रायपुर के उरला क्षेत्र से एक 4 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। मासूम बालक पड़ोस में रहने वाले मुंह बोले चाचा के साथ निकला था। मंगलवार सुबह 10 बजे से दोनों का कुछ पता नहीं चला। मोबाइल फोन बंद होते ही बच्चे के घर वाले सख्ती में आ गए। इसके बाद तुरंत उरला थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दुर्ग के पदनापुर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर अचानक एक गद्दे की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई है। पुलिस ने पदनापुर क्षेत्र अंतर्गत एक विशेष टीम बनाकर बोरसी बाजार एवं कसारीडीह दुर्ग में सार्वजनिक स्थान पर सट्टा पट्टी लिखने वालों के खिलाफ रेड कार्रवाई की, जिसमें 12,760 रुपए नगद सहित सट्टा पट्टी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले में कटघोरा के पास जुराली गांव में शराब पकड़ने के नाम पर आबकारी टीम द्वारा एक ग्रामीण से 15,000 रुपए ऐंठने का मामला कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में आबकारी टीम कई प्रकार के दावे करती नजर आ रही है। बस्तर के बोधघाट पुलिस द्वारा नशे के कारोबारी के ऊपर नजर बनाए हुए रखे हुए थी। इसी कड़ी में बुधवार को अवैध नशीली सिरप को बेचने वाले आरोपी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से 100 नग सिरप और आरोपी गुलाम मुस्तफा रजा उर्फ कर्री के कब्जे से बरामद कर उसे जब्त किया है। रात
के अंधेरे में पिकअप वाहन से लकड़ी की तस्करी कर रहे दो आरोपी को वाड्रफ नगर वन व पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा बेशकीमती साल के लट्ठे को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। वाहन मालिक का भी पता चल चुका है। पिकअप वाहन को रासात करने की तैयारी की जा रही है। भाजपा के रायगढ़ जिला अध्यक्ष पर हुए एफआईआर के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने बुधवार को कोतवाली थाना का घेराव किया। करीब घंटे भर प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों का शिष्टमंडल एएसपी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर एफआईआर रद्द करने की मांग की। कवर्धा जिले के बोडला थाना क्षेत्र के NH 30 में चोर भट्टी के पास एक ट्रैक्टर चालक को एक एक झपकी आने से ट्राली सहित पलट गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, हालांकि एक व्यक्ति सामान्य रूप से घायल हो गया। कवर्धा सिटी कोतवाली थाने के सामने मां महामाया मंदिर के पास मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने एक दूसरे को कट मार दी, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। विवाद इतना बड़ा कि मामला थाने तक जा पहुंचा और थाने में भीड़ जुट गई। हालांकि मौके पर पुलिस ने लोगों को समझाया और आरोपियों पर कार्रवाई के बाद सभी शांत हो पाए। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी राजेंद्र कुंजाम को राजनांदगांव जिले की मोहला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मोहला के तालाब पर वार्ड 8 में रहने वाले मोहम्मद शफीक अहमद की मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों ने बीते 23-24 जनवरी की दरमियानी रात को चोरी कर ली थी। बस्तर जिले के बागवान क्षेत्र में कोलावल गांव में महीनों से सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है, जिसके विरोध में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। भाजपा के धरना प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर PWD के अफसर पहुंचे, जिन्होंने सड़क निर्माण कार्य जल्द ही शुरू करवाने का आश्वासन दिया। कांकेर शहर में आमापारा वार्ड में मादक पदार्थ गांजे की अवैध रूप से बिक्री और मोहल्ले के एक हिस्से में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते आमापारा में पुलिस सहायता केंद्र खोला गया। मोहल्ले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के जवान दिन रात यहाँ तैनात रहेंगे। गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर अंतर्गत गांव बरगांव निवासी नीलकंठ नागेश अपने बच्चे की शादी के लिए एक एक पैसा इकट्ठा कर संदूक में रखा था, जिसे गांव के ही एक युवक ने पार कर दिया। चोरी के पैसे से मुर्गा दारू की जमकर पार्टी की। चोरी की शिकायत पर पुलिस ने 4 दिनों के भीतर आरोपी रोहित कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में ग्राम सिरी कला में 46 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी को चरित्र आशंका पर घर में मवेशी को बांधने की रखी हुई रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जसपुर जिले की पडरापाट चौकी पुलिस ने मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर परिवार पर टंगिया से हमला किया था, जिससे वे सभी लोग घायल हो गए थे। पूरा मामला खेत में धान काटने से जुड़ा हुआ था। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के गोल चौक स्थित एक पान दुकान से परमानंद सिन्हा को टीम ने पकड़ा। वह लाइन लेकर सट्टा संचालित कर रहा था। वहीं 4 पहिया वाहन में घूम कर सट्टा संचालित करते दुर्ग के 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रोशन लाल देवांगन और एकांश को पुलिस ने तेलीबंद थाना क्षेत्र में से पकड़कर ऐप के जरिए सट्टा खिला रहे थे। आरोपी आकाश मंगवानी को गिरफ्तार किया गया है। कोरबा के L&T कंपनी के यार्ड में डकैती के मामले में पुलिस ने अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे हरियाणा से पकड़ा है। आरोपी ने अपने 11 साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। कुछ समय पहले इन्होंने गार्ड को बंधक बनाकर कंपनी के यार्ड से कुल 15 लाख रुपए का माल पार कर दिया था। गरियाबंद जिले के जल संसाधन विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर खून से लथपथ जंगल में मिला। परिजन ने मोबाइल पैसे गायब होने के साथ हमले की आशंका जताई है। परिजन की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की
फिलहाल घायल सब इंजीनियर 6 दिन से कोमा में है और रायपुर में भर्ती है। रायगढ़ जिले के लैलुंगा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम दियागढ़ नाला के पास एक व्यक्ति थैले में प्रतिबंधित कोडिन युक्त कोरेक्स सिरप को अवैध रूप से बिक्री के लिए लेकर आते समय पकड़कर 100 मिलीलीटर और 14 नग कोडिन एक्सप्रेस सिरप को जब्त किया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने पास धारदार चाकू रखा है एवं घटना स्थल के पास आने जाने वाले लोगों को डरा धमका कर भयभीत कर रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खमतराई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।